नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपको। बाबा सिद्ध गोरिया जो हमारे यहाँ पर गोड़ में जो ज्वाली तहसील ज्वाली में है उसके उनके जो है मंदिर में आके मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ पे जो ये बाबा जी कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, वो थोड़ी सी इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जम्मू से यहाँ आए थे 1100 कुछ ईस्वी में जो था वो यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे एक पास में एक जगह जो है एक और जगह है बाबा जी का तपस्थल जहाँ पे उन्होंने साल 6 महीने जो है वहाँ पे तपस्या की थी। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे बाबा जी ने यहाँ पे बाबा जी ने जो है 12 साल तपस्या करके जो है यहीं पे जो है बाबा जी ने समाधि ली थी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये चीज़ ये बात करने का यही मकसद है कि ऐसी चीज़ें जो ऐसी जगहें जो हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे पास ही में होती हैं लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें जो ये जगहें जो है इनको बताने की मेरी कोशिश होती है, आपको इनके रूबरू कराने की कोशिश होती है। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है इसके बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। और दोस्तों इनका ही एक तपिस स्थल जो है यहाँ पे जो पीछे हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर जो है पीछे जो है इनका तपिस स्थल है वो भी आपको दिखाऊंगा। Oh, 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 oh
दोस्तों बाबा जी के बारे में एक और चीज आपको बता दूं कि आप ये जो बेंच जो बनाए गए हैं ये बैठने के लिए, आप इसके भी जो रास्ता देख रहे होंगे, तो बाबा जी का ये पुजारी जी ने यहाँ पे कहा है कि बाबा जी का ये रास्ता हुआ करता था। यहाँ से जो जंगल से बाबा जी आते थे और यहाँ से जो है इस रास्ते से होके वो तपस्या के लिए वहाँ बैठते थे। तो इनका कहना ये भी है कि यहाँ पे जो है 3 से 4 बार जो है यहाँ पे इस जगह को बंद किया गया, लेकिन 3 से 4 बार जो है लगातार ये टूट गया। तो बाबा जी का एक दिन किसी को स्वप्न आया तो बाबा जी ने उनको बताया कि मेरे लिए ये रास्ता छोड़ के रखना आपने। तो तब से जो है दोस्तों ये रास्ता छोड़ रखा है और यहाँ से आके बाबा जी जो है वहाँ पे तपस्या किया करते थे। पर मैंने बाबा जी के जो जगह पे मैंने बताया था कि पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ पे सिद्ध बाबा गोरिया जो है उनका तप स्थल है। ये रास्ता आप देख रहे होंगे साथ में, ये रास्ता जा रहा है वहाँ पे, आप पहुँच के आपको वहाँ का मंदिर दिखाएंगे बाबा जी का, जहाँ पे उन्होंने 6 महीने जो है वहाँ पे तपस्या की थी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और दिखाते हैं आपको बाबा जी का मंदिर। तो दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बाबा जी का जो है तपस्थल जो मैंने आपको बताया था, ये रास्ता जा रहा था और ये मंदिर है बाबा जी का दूसरा। तो दोस्तों चलिए ये मंदिर को भी आपको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।